YouTube चैनल, मैं हूँ दीपिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल एफ पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक चिकन की रेसिपी जो कि मेरे घर की बहुत फेवरेट है। तो आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का। मेरे घर में जब भी हाउस पार्टी होती है तो मैं इसको अपने स्टार्टर में ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार भी बनाया है मुझे लोगों से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है और मेरे घर में तो सबको काफ़ी पसंद है ही। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे बेटे के डिमांड पे, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए बनाते हैं हमारी रेसिपी। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट करा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि थोड़ा मैं मोटिवेट होती रहूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए बनाते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और आलमंड्स। आप काजू भी ले सकते हैं और उसका बनाएंगे हम एक अच्छा पेस्ट। और फिर मैरिनेशन के लिए लेंगे चिकन, उसमें डालेंगे ग्रीक योगर्ट, हरा धनिया का जो पेस्ट बनाया था हम लोगों ने, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और लेमन जूस। हाफ लेमन जूस को स्क्वीज कर देंगे और उसको मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे दो घंटे के लिए। मैंने इसको दो घंटे के लिए छोड़ा, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। तो ये देखिए मैं इसको कर दे रही हूँ मिक्स और इसको छोड़ देंगे दो घंटे के लिए। कम से कम दो घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए ज़रूर छोड़ दें। आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज में डालेंगे तो इस ये जो थोड़ा सा थिक कोटिंग अच्छी हो जाएगी चिकन के ऊपर, तो ये ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। और मैं इसको कर रही हूँ ग्रिल एयर फ्रायर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप ओटीजी और माइक्रोवेव और चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको गैस पे भी बना सकते हैं। गैस पे बनाने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट मैं आपके लिए उसकी एक प्रॉपर रेसिपी बना के लेके आऊँ। यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे बताएं अगर आपको उसकी गैस की रेसिपी चाहिए तो। तो इसको कर देंगे एयर फ्रायर में अच्छे से, सारे चिकन पीसीस को उसमें एडजस्ट कर देंगे। और जो मैरिनेशन मेरे पास थोड़ा बचा था ना, मैंने उसको अच्छे से ओवर कोट कर दिया उसके ऊपर से। अब मैं इसको डालूँगी एयर फ्रायर में। एयर फ्राई करने के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 20 से 25 मिनट, और बीच में उसको हमें फ़्लिप भी करना है 10-15 मिनट के बाद। एक बार चेक करके उसको सारे पीसेस को हमें फ़्लिप कर देना है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो वो जल्दी पक जाती है, लेकिन अगर आप बोन इन चिकन लेंगे तो उसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आप अपना चेक करते रहें उसके हिसाब से, और चिकन का पीसेस का क्या साइज़ लिया है आपने उस पर भी डिपेंड करता है। और मैं एयर फ्रायर प्रेफर करूँगी क्योंकि एयर फ्रायर में क्या होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एयर फ्रायर में क्या होता है कि जो उसकी जो मैरिनेशन की कोटिंग होती है वो उस पर बहुत अच्छे से चिपकी रहती है। वरना कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आप ओटीजी में या किसी माइक्रोवेव में भी ठीक ही रहता है, ओटीजी में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं कभी चिकन ग्रिल करती हूँ तो उसका सारा पानी निकल जाता है, वो बिल्कुल ऐसे बॉयल चिकन टाइप का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा एयर फ्राई हुआ है चिकन। अब हम बनाएंगे इसके लिए सॉस, वाइट सॉस। तो उसके लिए मैंने लिया है पैन, उसमें डाला है बटर, बटर को करेंगे मेल्ट और उसमें डालेंगे हैवी क्रीम, हाफ कप के अराउंड हैवी क्रीम लेंगे। उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, चाट मसाला और सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा कम लेंगे एज़ पर योर टेस्ट, क्योंकि हमारे चिकन को ग्रिल करा था हमने तो मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला था, तो इसके लिए हमने इसमें किया है। और इसको अब उबाल आने देंगे। उबाल आने पर आप देखेंगे कि ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा, तो उसमें ऐड करेंगे अपने सारे चिकन के पीसेस, उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और उसको तब तक हमें कुक करना है जब तक कि वो सारा चिकन अच्छे से कोट नहीं हो जाए और हमारा सॉस अच्छे से थिकन नहीं हो जाए। 2-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका चिकन बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉस भी थिकन हो गया है। तो ये हो गई है हमारी चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी तैयार। गर्मा गर्म इसको सैलड के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो ये थी आज की हमारी चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज आप भी अपने घर पे ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, आई एम श्योर उनको भी बहुत पसंद आएगी। और डू लेट मी नो इन द कमेंट अगर कि आपकी ये रेसिपी कैसे बन के आती है, और अगर आपका कोई सुझाव कोई सजेशन है तो प्लीज वो भी मुझे बेझिझक बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोज को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छे वीडियोज लेके आती रहूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और तब तक के लिए मैं करती हूँ बाय, और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आपको आपसे लेती हूँ अलविदा, और जल्दी ही मैं आपके लिए बहुत अच्छा नया वीडियोस लेके आते रहूंगी, तो प्लीज उसके लिए स्टे ट्यून रहे, और फिर मिलते हैं, बाय।